फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा इजी सा स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ के, गर्ल्स के, बेबी के किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं। लेडीज, जेंट्स एंड बेबीज के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा इस स्वेटर का डिज़ाइन बन के आएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 4 प्लाई वाली नॉर्मल वर्धमान वाली वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। 10 नंबर की सिलाई है। अगर आप इसको इस 4 प्लाई वाली वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में, जिसमें 3 तार होते हैं, तो आप वहाँ पर 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। अगर आप डिज़ाइन को बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 के मल्टीपल फंदे लिए हैं। जैसे पहले 8 फंदे गिनिएगा, फिर से 8, लास्ट में आपके 5 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो डिज़ाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। राइट साइड से बनना शुरू होगा और 12 सिलाइयों में डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाएगा। 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है, फिर डिज़ाइन को चेंज करेंगे तो फिर से 6 सिलाई बनाएंगे। टोटल 12 सिलाइयों में ये डिज़ाइन हमारा कवर हो जाएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करें। राइट साइड डिज़ाइन की फर्स्ट रो एज इट इज फंदा है, इसको उतार लेंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, फिर से 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 8 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, 3 सीधे 2 उल्टे, 1 सीधा 2 उल्टे। तो फिर से ऐसे ही करेंगे, 3 फंदे सीधे, 2 3, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ, 3 सीधे 2 उल्टे, 1 सीधा 2 उल्टे। लास्ट में आपके पास 4 फंदे बचेंगे, तो इन 3 फंदों को आप सीधा बनाइए, 1 2 3। अब ये एच स्टिच है, इसको भी सीधा ही बना लेंगे। डिजाइन की फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ, सेकंड रो दूसरी सिलाई। तो एच स्टिच फंदे को ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बुने। अब जो ये आगे के 5 फंदे हैं, इनको देखिए धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 8 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे और जो आगे के 5 फंदे हैं, 1 सीधा 1 उल्टा, 1 सीधा 1 उल्टा, 1 सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, अब 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागा पीछे, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, आगे के 5 फंदे उनको 1 सीधा 1 उल्टा, 1 सीधा 1 उल्टा, 1 सीधा, 8 फंदे टोटल बन गए। लास्ट में आपके पास 4 फंदे हैं, तो 4 फंदों को उल्टा ही बुन लीजिए। तो डिजाइन की 2 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई और सीधी तरफ, राइट साइड सीधी तरफ तीसरी सिलाई को बिल्कुल पहली सिलाई की तरह ही बनाएंगे। एच स्टिच फंदा है, इसको उतार लेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा,
धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे। अब देखिए एच स्टिच फंदे को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, बिल्कुल पहली सिलाई फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे। तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे फिर से उल्टे, धागा पीछे। लास्ट में आपके पास चार फंदे होंगे, चारों फंदों को सीधा ही बना लीजिए, एक दो तीन चार। तो राइट साइड डिजाइन की तीन सिलाइयां बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए रोंग साइड, चौथी सिलाई रोंग साइड। एच स्टिच फंदे को उतार लेंगे। अब देखिए तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये पांच फंदे हैं इनको एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। सेम जैसे हमने सेकंड रो बुनी थी ऐसे ही बुनेंगे। एच स्टिच फंदे को छोड़ के तीन फंदे उल्टे, एक फिर आगे के पांच फंदे एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। तीन उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। लास्ट में आपके पास चार फंदे हैं तो चार फंदे उल्टे बुन लीजिए। डिजाइन की चार सिलाइयां बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ पांचवी सिलाई, सीधी तरफ पांचवी सिलाई, एच स्टिच उतारेंगे। अब पूरी सिलाई को ऐसे धागा पीछे करते हुए सीधा सीधा बुन लेंगे। पांचवी सिलाई में कोई डिजाइन नहीं डलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पूरी रो कम्प्लीट करेंगे। बहुत इजी डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। किसी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डिजाइन बन के आएगा। तो ये पांचवी सिलाई को पूरी को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए छठी सिलाई उल्टी तरफ। तो यहाँ पर पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो अब सीधी तरफ सातवीं सिलाई। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन को चेंज करेंगे। जो डिजाइन ये सीधे फंदों में है ये इन उल्टे फंदों में आ जाएगा, जो उल्टे फंदों वाला डिजाइन है ये सीधे फंदों पे आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट सिलाई है, डिजाइन चेंज होगा। स्टार्टिंग से ही डिजाइन डलेगा तो दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, अब फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। तो देखिए इन्हीं आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। तो दो डिजाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब देखिए धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। लास्ट में आपके पास पांच फंदे होंगे तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, इस तरह से। अब ये डिजाइन की जगह चेंज हो गई, जो सीधे फंदों पे था वो डिजाइन यहाँ पे उल्टा बन गया, उल्टे फंदों के ऊपर सीधा डिजाइन बनना शुरू हो गया।
अब डिजाइन की है आठवीं सिलाई, आठवीं सिलाई को ध्यान दीजिएगा, आठवीं सिलाई उल्टी तरफ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा। तो ये पांच फंदे हमने इस तरह से बुने, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, दो तीन। तो ये टोटल आठ फंदे हैं, इन्हीं आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा। तो ये पांच फंदे हैं, पांच फंदे को बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। इस तरह से दो डिजाइन हमारे कंप्लीट हुए, धागा पीछे करेंगे। फिर से लास्ट में पांच फंदे हैं, इनको फिर ऐसे ही बनाएंगे, एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो ये डिजाइन की आठ सिलाइयाँ बन गई। अब आ जाइए सीधी तरफ नौवीं सिलाई, सीधी तरफ नौवीं सिलाई। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। तो देखिए स्टार्टिंग से लेके और यहाँ तक आठ फंदे हैं, दो फंदे उल्टे एक सीधा, दो उल्टे तीन सीधे, इन्हीं आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा पीछे फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में पांच फंदे हैं, तो इनको फिर ऐसे ही बनाइएगा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे। तो डिजाइन की नौ सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ दसवीं सिलाई, तो रॉन्ग साइड दसवीं सिलाई। अब देखिए यहाँ से एक फंदा सीधा, शुरू से ही डिजाइन शुरू होगा, धागा फंदा सीधा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा पीछे फिर एक सीधा, धागा अपनी तरफ फिर एक उल्टा, धागा पीछे एक सीधा। पांच फंदे इसी तरह से बनाए, एक सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे। तो आठ फंदों का डिजाइन है, यही आठ फंदे फिर से रिपीट करेंगे, इन्हीं आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से ये तीन फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका आठ फंदों का डिजाइन कंप्लीट हुआ, एक फंदा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, पांच फंदे इस तरह से बना के फिर तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। लास्ट में पांच फंदे हैं, तो इनको एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा पीछे, एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा, धागा पीछे एक सीधा। तो ये डिजाइन की 10 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ 11वीं सिलाई, 11वीं सिलाई को पूरी को सीधा सीधा बनाएंगे, ऐसे धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है, इसको न्यू बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे, इसको पूरी को सीधा सीधा बुन लीजिए। तो ये 11वीं सिलाई को सीधा सीधा बना के कम्प्लीट कर लिया। अब आ जाइए 12वीं सिलाई उल्टी तरफ, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लीजिए, इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे।
बहुत ही आसान डिजाइन है। जब भी आप इसको प्रोजेक्ट में डालें तो पहले आप थोड़े फंदों में डिजाइन डाल के डिजाइन को बुन लीजिए, फिर आप अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिएगा तो बहुत ही आसानी के साथ ये डिजाइन बन जाएगा। तो ये पूरी सिलाई को, 12वीं सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बना लेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल लीजिएगा, स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कैप में, टॉप में, बेबी स्वेटर में, ब्लैंकेट में, किसी में डालिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आएगा। तो देखिए टोटल 12 सिलाइयों का डिजाइन था और डिजाइन इस तरह बन के आया है। अब जब दोबारा से डिजाइन डाल लेंगे, डिजाइन 6 सिलाइयों का है, फिर डिजाइन को हम चेंज करते हैं तो 6 सिलाइयाँ हम फिर से बनाते हैं। जैसे ये सीधा डिजाइन था फिर उल्टे फंदों का, अब फिर से सीधे फंदों वाला आएगा तो पहली सिलाई से लेकर 12 सिलाई तक इन्हीं को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ये डिजाइन बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बना के बड़े में दिखाती हूँ आपको, फिर आप इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।